रवीश कुमार ने अपने चैनल रवीश कुमार ऑफिशियल में अपने प्रधानमंत्री जी का एक विशेष दुख बताया, तो इस वीडियो में देखते हैं क्या है उनका विशेष दुख। फोटो दुख के बाद प्रधानमंत्री जी का अब कुछ गाली दुख है, वो क्या है तो वीडियो में ही आप लोग देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में हूँ और ये शहर अलग अलग स्ट्रीट के खांचों में बांटा गया है। तो कहाँ हूँ उससे ज़्यादा क्या खास मतलब रखता है, मगर हूँ यहाँ पर और अगले एक हफ्ते के लिए यहाँ पर हूँ। और बात यह है कि यहाँ भी आकर वहाँ से तो तार छूटता नहीं है। अब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि रोज़ उन्हें 2-3 किलो गालियाँ पड़ती हैं जिसे वो पौष्टिक आहार में बदल देते हैं। दरअसल इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि पौष्टिक आहार से उनका क्या मतलब है। पौष्टिक आहार से उनका ये मतलब है कि कोई अगर उन्हें गाली देता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। आप इससे जुड़ी तमाम खबरें अभी भी तुरंत बैठ सुनते हुए भी सर्च कर सकते हैं कि अतीत में, पिछले 8 साल के अतीत में, कई राज्यों में कई लोगों को गाली देने या अपशब्द कहने या भड़ास या कुछ ज़्यादा आलोचना कर देने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि जो आलोचना करते हैं, विपक्ष है, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ छापे पड़े और उन्हें भी जेल में डाला गया अलग अलग तरीकों से। तो पौष्टिक आहार का मतलब ये है कि जो उन्हें उनकी आलोचना करेगा या गाली देगा वो जेल जाएगा। दूसरी बात यह है कि वे लोकतंत्र में हैं, आलोचना को क्या वो गाली समझते हैं, उन्हें ये स्पष्ट करना चाहिए कि गाली से उनका क्या मतलब है। गाली और आलोचना में वो फर्क करते हैं या नहीं, या आलोचना को भी गाली समझते हैं? अगर ऐसी बात है तब तो चिंता की बात है। दरअसल हो क्या रहा है कि प्रधानमंत्री ड्रीम सीक्वेंस में, ड्रीम सीक्वेंस क्या होता है कि जैसे हम टहल रहे हैं गाजियाबाद में, सपना देख रहे हैं कि न्यूयॉर्क में आ गए हैं और इस तरह की सड़कें हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और खो गए हैं कि हम गाजियाबाद में नहीं रहते हैं, हम न्यूयॉर्क में रहते हैं। हिंदी सिनेमा में स्लो मोशन में जो ड्रीम सीक्वेंस में हीरो अचानक किसी पार्क में जाकर गाना गाने लगता है, तो उसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री भी ड्रीम सीक्वेंस में चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि सब कोई उन्हें गालियां दे रहा है। 20 साल से उन्हें सत्ता में जनता ने बनाए रखा है, मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री 8 साल से हैं, तब भी वे खुद को इस तरह से पेश कर रहे हैं कि जैसे सबसे असहाय हैं, बेचारे हैं, कितनी लोग गालियां दे रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, इतने मंत्रालय, इतने मंत्री कर क्या रहे हैं ये लोग अगर काम नहीं कर पा रहे। तो मैसेज ये है कि आप जनता जो अलग अलग सवालों को लेकर दुखी हैं वो रोना बंद कर दें, क्योंकि आपके देश के प्रधानमंत्री ही खुद अपनी बात को लेकर रो रहे हैं। तो इतनी बातों को ध्यान में रखिए, उन्हें नए नए प्रकार के दुख हो रहे हैं। पिछली बार हमने आपको बताया भी था कि उन्हें फोटो दुख हो गया है, कहीं भी जाइए उनका फोटो नजर आता है, यहाँ भी दिख जाएगा उनका फोटो, और वो कहते हैं कि मैं चाहता तो विज्ञापनों में भी मेरी फोटो चमक सकती थी, ऐसा वो कह सकते हैं। तो उनकी बातों को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए कि देश का बहुत नुकसान हो, और इस नुकसान को समझने की बौद्धिक क्षमता उन्होंने खत्म कर दी। जिस राजनेता के दौर में पूरी ट्रोल सेना अस्तित्व में आई, लिख कर गालियां दी जाने लगी और गालियों को लिखने के लिए नई नई वर्तनियों की खोज की गई, महिला पत्रकारों को गाली दिया गया, पत्रकारों को गाली दिया गया, वो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मुझे गालियां दी जाती हैं, 1-2 किलो गालियां दी जाती है जिसे पौष्टिक आहार में बदल देते हैं, तो फिर अब मैं अपनी बात कहां लेकर जाऊं कि मुझे कितनी गालियां दी जाती हैं। तो इसलिए इनकी बातों को अब जरा ध्यान से सुनिए, सोचिए, समझिए, नहीं तो कोई बात नहीं, न्यूयॉर्क का मजा लीजिए आप यहाँ पर। इस वक्त सुबह का समय है और सड़कें खाली हैं और कोई ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अनुशासन में चल रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। ये हमारे यहाँ भी अच्छी बात है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग इस तरह से बिना ट्रैफिक पुलिस के अनुशासन में चलते हैं। नमस्कार।